नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 35। क्या कृष्ण ने ही अभिमन्यु के बेटे का नामकरण किया था? ऊपर के प्रश्न के उत्तर में अभिमन्यु के बेटे के जन्म के समय की वास्तविक परिस्थिति का पूरा वर्णन किया जा चुका है। वह बच्चा जब पैदा हुआ था तो उस समय किसी कार्यवश सभी पांडव हस्तिनापुर से बाहर थे, लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने हेतु कृष्ण वहां पहुंच चुके थे। सो वास्तविक रूप से प्रथम जात कर्म उन्हीं की देखरेख में करवाई गई थी और इस क्रम में उन्होंने ही बच्चे का नामकरण भी किया था। अब कृष्ण ने उस बच्चे का नाम परीक्षित ही क्यों रखा, इस पर महाभारत का कहना है। वैशंपायन जी कहते हैं, पांडव वंश का नाम परीक्षित होने ही जा रहा था कि अभिमन्यु का यह बालक पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 70 श्लोक 10। अपनी ही बहन सुभद्रा का हरण करवाने के बाद कुपित यादवों तथा बलराम को कृष्ण ने कैसे मनाया? जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर कृष्ण के ही रथ में इंद्रप्रस्थ की ओर भाग निकले तो यादव सैनिकों ने उन्हें काफ़ी दूर तक खदेड़ा, लेकिन वे अर्जुन को पकड़ नहीं पाए। तब सभी द्वारकावासी क्रोधित होकर इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। उस समय कृष्ण अनावश्यक युद्ध को रोकने हेतु यादवों को मनाते हुए बोले। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने इस कुल का कोई अपमान नहीं किया है, उल्टा उन्होंने तो इस कुल का सम्मान ही बढ़ाया है। अर्जुन यह अच्छी तरह जानते हैं कि हम धन लेकर अपनी कन्या नहीं दिया करते हैं, साथ ही वे यह भी जानते हैं कि स्वयंवर में कन्या उन्हें मिल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो स्वयंवर की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा, और कौन ऐसा नीच पुरुष होगा जो अपनी संतान को बेचेगा? मेरे ख्याल से अर्जुन ने इस सब बातों पर गौर करने के बाद ही सुभद्रा का अपहरण किया है। हमारी सुभद्रा सौभाग्यवती है और कुंती का सूरवीर पुत्र अर्जुन भी यशस्वी है, ऐसा संबंध कौन नहीं चाहेगा? एक शंकर को छोड़कर अर्जुन को हराने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अर्जुन के पास अभी मेरा रथ है जिसमें तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े जुटे हुए हैं, तब अगर आप लोग उनसे लड़ने जाएं और अगर वे आप लोगों को हराकर अपने नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच जाएं तो आप लोग यानी इस यदुकुल की इज्जत कितनी कौड़ी की रह जाएगी, इसलिए उन्हें सांत्वना पूर्वक ले जाने में ही हमारी कोई पराजय नहीं है। फिर कृष्ण की बातें सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। महाभारत आदि पर्व अध्याय 220 श्लोक 2-10। भागवत पुराण में भी इस सुभद्रा हरण का वर्णन आता है, परंतु वहां मात्र एक श्लोक में घुसाए बलराम को कृष्ण मना लेते हैं। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 86 श्लोक 11। इसके अलावा सुभद्रा हरण की चर्चा अन्य किसी पुराण में नहीं की गई है। इस प्रकार महाभारत के इस साक्ष्य से एक बार फिर इस बात की पुष्टि होती है कि अपनी बातों से कृष्ण किसी से भी कोई भी बात मनवाने की कुवत रखते थे। सुभद्रा का हरण करके जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो वहाँ द्रौपदी की प्रतिक्रिया क्या थी? महाभारत में यह कथा बड़े ही रोचक ढंग से कही गई है। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अपनी माँ और भाइयों से मिलने के बाद द्रौपदी से मिलने उनके कक्ष में गए तो द्रौपदी बोली, हे कुंती कुमार, यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ जहाँ वह सातवत वंश की बेटी सुभद्रा है। सच ही है, बोझ को कितना भी कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ ही जाता है। यही हालत मेरे
प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है। इस तरह और भी बातें करके कृष्णा रोने लगी। तब अर्जुन ने उन्हें तरह तरह से सांत्वना दी और अपने अपराध हेतु क्षमा भी मांगी। गीता प्रेस का महाभारत आदि पर्व अध्याय 220 श्लोक 16 से 18। इतना ही नहीं, द्रौपदी के गरम पारे को देखते हुए अर्जुन सुभद्रा को उससे मिलवाने में भी डर रहे थे, लेकिन एक घर के अंदर मिलवाए बिना भी तो नहीं रहा जा सकता था। सो अर्जुन ने सुभद्रा को अत्यंत ही सामान्य ग्वालिन की वेशभूषा में तैयार करवाकर उन्हें कुंती के कक्ष में भेजा, जहां द्रौपदी भी बैठी हुई थी। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिंद सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन सावेश बनाकर उन्हें बड़े उतावलेपन के साथ महल में भेजा। गीता प्रेस का महाभारत आदि पर्व अध्याय 220 श्लोक 19। यानी निश्चित तौर पर द्रौपदी अर्जुन के सुभद्रा से विवाह किए जाने से नाखुश थी। क्या एकलव्य कृष्ण के चचेरे भाई थे? हरिवंश पुराण में उपलब्ध एक विवरण के अनुसार एकलव्य कृष्ण के चचेरे भाई थे, जिन्हें उनके पिता ने अपशकुन मानकर उनके जन्म के समय ही त्याग दिया था। हरिवंश पुराण के अनुसार वैशंपायन जी ने कहा, वासुदेव जी के दूसरे भाई देवश्रवा ने शत्रु को हटाने वाले शत्रुघ्न नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महाराज किसी कारण बचपन में ही त्याग दिए जाने के कारण निषादों ने इस शत्रुघ्न नामक पुत्र को पालकर बड़ा किया था, इसलिए यह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 34 श्लोक 32 से 33। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।